कर्जा नहीं फेट रहा है, बारिश आई टेंशन आया गई, हर साल कुछ ना कुछ, कोई नस काटता है, कोई डायरेक्ट फांसी भी सिलाता है। ये तोड़ने वाले हम, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, खर्चा ही नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे इसका। क्या बात कर रहे हैं, हमको लगा आप तो यहाँ अरबपति होंगे। इसका खर्चा भी पाउडर का निकलना चाहिए ना, इसमें घाटा ही 1,00,000 रुपए घाटा है। ऐसा है, मजदूर आते नहीं, कोई नहीं, सब परेशान है। हम तो ये मान के चलते हैं दवाई वाला मार रहा है, उसको 2,000 रुपए लेके जाएगा वो अभी, उसमें 10,000 का औषध डाल है पेस्टिसाइड उस टैंक में, 12,000 रुपए का अभी दवाई मार रहे हैं। किसान माल माल होता तो इधर हमारे डार बंगले होते 4-5। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय जो है नासिक के एक रोड पर हूँ और रोड के किनारे देखिए खेत यहाँ जो है एक दिख रहा है। ये पत्ते दिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते, तिकोने पत्ते, ये दरअसल अंगूर की खेती हो रही है यहाँ। ये पत्ते जो है अंगूर के पेड़ के हैं और इसका बहुत बड़ा जो है प्लांटेशन यहाँ हुआ है। और अगर उसके पेड़ों को आपको दिखाएं, इधर आइए, ये देखिए जो पेड़ जो है मोटे मोटे पेड़ हैं, कोई जो है ऐसा नहीं कमज़ोर पेड़ हैं, मतलब मोटे पेड़, बावजूद इसके इनको सहारा देना पड़ा ऊपर। देखिए लोहे के सब एंगल लगाए गए हैं और तारों से बांधा गया है, देखिए तार भी, ये तार है और इसी के ऊपर जो है पूरा बिछा हुआ है, इसकी सारी जो है डालें और जो है शाखाएं गई हैं। और इसी के बीच आप देख सकते हैं, देखिए अंगूर, ये देखिए अंगूर अभी जो है फली उसकी निकल रही है, अभी बहुत छोटा फल है और यही जो है बड़ा बड़ा जब अंगूर बन जाएगा, पक जाएगा तब मार्केट में जाएगा और आप अपने घरों को ले जाते हैं और इसका इसको खाते हैं। तो इसी तरह से बहुत बड़ा ये जो है खेत है जिसमें इसका प्लांटेशन किया गया है। अब इसका प्लांटेशन करने वाले लोग, आप सामने देखिए उधर एक ट्रैक्टर आ रहा है, अभी उसको दिखाएंगे, वो जो छिड़काव कर रहा है दवा का, लगता है पेस्टिसाइड्स का, तो उसको दिखाएंगे क्या हो रहा है, आप देखिएगा। और इसके जो मालिक हैं यहाँ, तो उनसे हम लोग बात करते हैं और जानने समझने कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से इसका व्यापार होता है। तो ये इसी साथ एक देखिए एक और दिलचस्प बात आपको दिखाएं, इसके बारे में अभी पूछेंगे। देखिए पाइप दिख रही है यहाँ, ये पाइप है और इसी तरह से हर पेड़ के साथ ये पाइप जुड़ी हुई है, पूरा कतार में लगाई गई है। तो ये इसका क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग होता है, सब कुछ जानेंगे। तो शुभ नाम बताइए अपना। सौरभ पड़जे। सौरभ, ये खेती आपकी, ये खेत आपका है? है हमारा। ये कितना मतलब कितना क्षेत्रफल है, कितने इलाके में? एक एकड़ में 900 बोड़े। नहीं, क्या एकड़ है ये खेत? एक एकड़ है। एक एकड़ है। हाँ। 2 बीघा कहा जा सकता है? हाँ, 2 बीघा है। अच्छा, 2 बीघा। हाँ। ये बताइए अंगूर की ये खेती है ना आपकी? हाँ। ये कब जो है आपने इसको बोया था? 2014 में बोया था हमने। 2014 में आप बोए थे? हाँ। अच्छा, और तब से अब लगा हुआ है? हाँ, तब से लगा है। तो 14 आज जो है 7 साल हो, 7 साल हो गए, नहीं 7 चार के साथ कह रहे हैं, 9, 4, 13 10 साल। मतलब मोदी की जब सरकार आई केंद्र में, तब आपने अंगूर रोपा था है? तो और ये अभी कब तक चलेगा इसी तरह से कि इसमें आप अंगूर लेते रहेंगे? ये अभी 2-4 साल और चलेगा। 2-4 साल। तो एक बार बोने पर कितना साल, मतलब कहा जा सकता है कि 14, 4, 18, 18, 20 साल तक ले सकते हैं? 20 साल तक ले सकते हैं। ओ, ये तो बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं आप। एक बार अंगूर बोइए पेड़ उसका, तो 20 साल तक फल आप ले सकते हैं, हैं? तो अभी अगर आपसे पूछें कि पर ईयर हर साल आप कितना अंगूर 2 बीघे में 1 एकड़ में पैदा करते हैं? 100 क्विंटल निकलता है इसमें। 100 क्विंटल निकलता है। और ये कब जो है फलना शुरू होता है, कब जो है मार्केट में जाना शुरू हो जाता है? जनवरी में चालू होता है अंगूर। जनवरी में शुरू हो जाएगा फल जो है आना शुरू। हाँ। फल तो अभी आ रहा है लेकिन वो पक्का जनवरी में पकेगा वो। अच्छा, जनवरी में मीठा हो गया। हाँ। तो और इसके लिए मंडी कहाँ है, आप कहाँ ले जाएंगे? मंडी वो इसमें जाते ही बाहर में, यूरोप। अच्छा, यूरोप। हाँ, रशिया, यूरोप। और यहाँ आप किसको देंगे? या व्यापारी आता है वो। व्यापारी आता है, खेत में आता है, एक्सपोर्ट वाले आता है, एक्सपोर्ट। अच्छा, कोई मंडी भी है जहाँ आप लेकर जाकर देते हैं? मंडी नहीं, इधर व्यापारी खुद आते ही। व्यापारी खुद आता है। तो आपने कहा कि 100 क्विंटल पैदा कर लेते हैं, तो पर क्विंटल के हिसाब से कितना क्या हिसाब रहता होगा बेचने का? बेचने का 40-50, जैसा क्वालिटी रहती है वही दाम रहता है उसका। तो 40-50 रुपए के हिसाब से बताइए कितना, 1,000 रुपए क्विंटल?
वो 4,000 रुपये क्विंटल जाता है। 4,000 रुपये क्विंटल, अच्छा तो 4,000 रुपये 100 क्विंटल हो जाता है। हो जाता तो 40-40 लाख का कुछ हिसाब बनेगा क्या? कितना ना, नहीं बने खा रहे 10-1 लाख का आता है हमको। अच्छा 10 लाख आता है उसमें खर्चा ही। अच्छा खर्चा कितना आता है ये बताइए? खर्चा 6 लाख रुपए खर्चा है उसमें। अभी बारिश इतनी हुई, ट्रैक्टर इतना बड़ा ट्रैक्टर जाके बैठा था, बहुत कीचड़ बिचड़ सब, मजूर विजूर सब खर्चा बहुत जाता है इसमें। ऐसा जरा देखिए, वो परमानेंट वो आता रहे। ये अभी आप जो ये ट्रैक्टर चल रहा था, हम देख रहे थे पेस्टिसाइड्स को छिड़काव कर रहा था, ये क्या है? बढ़ाने के लिए अंगूर है ना, इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। तो ये कितनी बार कर देते हैं महीने में? या ये 5-5 दिन में रहता है स्प्रे, 4 स्प्रे रहते हैं इसके। 4 स्प्रे रहेगा? अच्छा 4 बार केवल स्प्रे करना पड़ता है, इससे अंगूर बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा और ये जो पानी आप देखे, पाइप आप लगाए हुए हैं, इसका क्या इस्तेमाल जरा इसको बारे में? पानी, इसको पानी देते हैं हम। अच्छा इसको पानी देते हैं? तो इसको 5-6 घंटे लगाए ना, सब पानी पानी रहता है नीचे। अच्छा नीचे पाइप की ऐसी व्यवस्था कि एकदम उसी की जड़ में पानी जाए, ऐसा कुछ? जड़ में पानी जाते है उसमें, ये मूली पानी लेते है उसके। अच्छा अच्छा, तो ये पानी आप कहाँ से ले आते हैं फिर? ये इधर बावड़ी है हमारी खुद की, बावड़ी है, वहाँ से खींचते हैं, वहाँ से मोटर डाली, उससे पाइपलाइन डाली इधर। अच्छा इधर जॉइंट मार के इधर डर पानी आता है। तो कितने दिनों में आप पानी सप्लाई कर देते हैं इसकी? 4-4 दिन में पानी देना पड़ता है उसको। 4-4 दिन में पानी देना पड़ता है पूरा? 4-4 दिन? 4-4 दिन। अच्छा खासा पानी देना पड़ता होगा। अच्छा खासा। तो क्या खाद भी अलग से और कुछ देनी? जैसे पेस्टिसाइड दिख रही है, खाद भी नीचे आप छींटते हैं? खाद भी डालना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है। तो इस तरह से आप कह रहे थे खाद पानी और तमाम उस पेस्टिसाइड लागत क्या 1 लाख रुपये? नहीं नहीं 6 लाख रुपये खर्चा आता है 1 एकड़ को। 1 एकड़ में 6 लाख रुपए खर्चा आता है? खर्चा आता है। और कितना कमाई हो जाती है उससे? उसमें क्या 5-5 लाख रुपए कमाई आती है, 1 लाख रुपए घाटा है उसमें। अच्छा नहीं नहीं आप फिर घाटा आता है इसमें। अभी इस साल बहुत बारिश हुई हमारे इधर। अच्छा इसमें ये देखो, इतना ज्यादा अंगूर चाहिए था ना, इसमें कम है। अभी ये देखो ये बड़ा चाहिए था, अभी ये छोटा हो गया बारिश की वजह से। अच्छा व्यापारी ये नहीं लेके जाता है, इसका बेदाना बनता है। ओ अच्छा, अच्छा किसमिस बनता है वो। अच्छा जो बच जाता है उसका किसमिस बनाते हैं? बस किसमिस बनता है उसको। वो छोटा वाला लेके नहीं जाएगा? अभी ये लेके जाएगा। हाँ लेकिन ये रह जाएगा। ओ छोटा छोटा टुकड़ा देखो ना। अच्छा अच्छा ये देखो। अच्छा ये नहीं जाता है, घाटा नहीं होता होगा? घाटा होता है, घाटा इस साल तो घाटा ही होगा। अच्छा इस साल घाटा, बहुत बारिश है। अच्छा अभी कुछ इधर आसपास के हमारे 2-4 बगीचे ना, उसको अंगूर ही नहीं आए बारिश की वजह से। ओ अच्छा, बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो नुकसान पहुंचता? नुकसान पहुंचता है। ओ बहुत डेंजर काम हुआ इस साल। अच्छा इसमें क्या सरकार से भी किसी तरह की मदद मिल सकती है? सरकार ने मदद किया, हमारे सरकार को विनती है, उन्होंने हमको मदद करनी चाहिए। किसान को थोड़ा आदर देना चाहिए और पेस्टिसाइड के रेट थोड़े कम करना चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी मजूर भी मिलते नहीं किसान। हाँ, हाँ, हाँ। किसान को खुद करना पड़ता है, किसान को कोई सन नहीं रहता, दिवाली कुछ सब काम ही काम इस बगीचे में 24 घंटे इसी में लगा इसी में करना पड़ता है। अच्छा बहुत बेकार काम है इसका। और मजदूर जो मतलब मजदूर मिल जाते हैं इसमें काम करने के? मजदूर अभी अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। सरकार ने ये 1500 रुपए देने के चालू करी है ना, तो मजदूर आते ही नहीं अभी। ओ। वो आराम से बैठ के मजा मारते, दारू पीते। हाँ, हाँ। ऐसा ही करते अभी क्या? इसलिए किसान को अपने खुद काम करना पड़ता, काम करना पड़ता है। अच्छा तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 4 सदस्य। 4 सदस्य? हाँ। हैं। 4 भाई हैं आप कहा जा सकता है? 4 भाई हैं। और सबके अपने बच्चे हैं? बच्चे हैं। ये संयुक्त परिवार अभी चल रहा है? चल रहा है। तो ये जो खेती है आपका, ये 1 एकड़ बता रहे 2 बीघा ये है, इसके अलावा और भी खेती है? और नहीं, इतना ही है हमारा खर्चा, पर बढ़ता ही नहीं। जो अंगूर थे हमने तोड़ डाले उसको। हाँ। अभी सब मोकला ही पड़ा है। अच्छा हाँ, गाय भी चरने को चारा नहीं रहता, इसके लिए डायरेक्ट अंगूर इतना ही रह गए हमने 1 एकड़। और ज्यादा नहीं बोया? अभी ये तोड़ने वाले हम, इसमें कुछ मिलाएगा नहीं, खर्चा ही नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे इसका? क्या बात कर रहे हैं, हमको लगा आप तो यहाँ अरबपति होंगे। इसका क्या अरबपति, इसका खर्चा भी पाउडर का निकलना चाहिए ना। हाँ। इसमें घाटा ही 1 लाख रुपए घाटा है। ऐसा है, मजूर आते नहीं, कोई नहीं, सब परेशान है। हम तो ये मान के चलते हैं, दवाई वाला माल रहा है उसको 2,000 रुपए लेके जाएगा वो भी, उसमें 10,000 का औषध डाला है पेस्टिसाइड उस टैंक में, 12,000 रुपए का अभी दवाई मार रहे हैं।
बोला अभी कैसे करने हम तो, हम तो जिस तरह ऐसे स्प्रे 5 स्प्रे रहे थे हमारे 12,000 के। नहीं हम तो जिस तरह से अंगूर खरीदते हैं जितनी उसकी कीमत होती है हमको लगता है इसका किसान तो माला माल होगा क्योंकि कैश क्रॉप है। किसान माला माल होता तो इधर हमारे दार बंगले होते 4-5। ऐसा नहीं है, नहीं है किसान डायरेक्ट परेशान हो गए अभी। सरकार ने कुछ करना चाहिए, कर्जे से डूब गए, हाथी लगने लगा है अभी किसान। मतलब कर्जे भी हैं ऊपर जो है, बैंक कर्जा देते नहीं, क्या करें। कुछ सुसाइड्स भी हुई हैं इधर, हुई है आसपास, हुई है, हुई है। कितने लोग करीब, 2-4 लोग गए, कर्जा ही नहीं फेड़ रहे, बारिश आई टेंशन आया गए। हर साल कुछ ना कुछ, कोई नस काटता है, कोई डायरेक्ट फांसी भी से लगाता है। अच्छा हाँ। आपके गांव में भी कोई इस तरह से डेथ हुई? हाँ, ये सामने आगे एक गांव है ना, उधर हो गई, उधर हो गई। हाँ, उन्हें पूरे परिवार ने जान दी उधर के, पूरे परिवार ने। उसके 5 एकड़ बागीचा था, वो सब गए, उसने डर जान दे दी। ये कब की बात होगी? अभी 1 साल आगे, 1 साल पहले, पहले पूरा परिवार ही जो है पूरा गए। वो 4 सदस्य थे, वो 4 के 4 गए। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है खाने में, बताओ गड़े। और कोई आपस में कोई संगठन बन पा रहा हो, आवाज सरकार के सामने उठा? सरकार कुछ करती नहीं, सरकार सिर्फ इलेक्शन के टाइम आती है, हमको मतदान दो, हमको मतदान दो। हाँ हाँ। फिर आते ही नहीं, जाते ही नहीं। रास्ते देखो हमारे इधर तो। दोस्तों देखिए, हमको तो सच बताओ, मजदूर है हमारे कुछ, उनसे बात करो जी, वो बताएंगे तुमको किसान के हाल क्या। भाई ये जो बता रहे हैं सही बात है, ये कह रहे हैं कि कौन कहा है जो है फायदा होने के घाटा हो रहा है, और स्थिति ये घाटा आता है ना, घाटा आता है। आप मजदूरी करते हैं, कितनी मजदूरी मिल जाती है यहाँ? क्या है, 300-400 रुपये। 300-400 रुपये और रेगुलर मिल जाती है रोजाना? नहीं, जब काम मिलेगा तभी मिलता है ना, जब काम मिलेगा। रोजाना नहीं मिलती, तब फिर कहाँ से आप काम करते हैं या कैसे भर पूरी करते हैं उसकी? काम नहीं रहता तो घर ही बैठते, काम होता तभी काम करते। अच्छा हाँ। अगर पूछे महीने में तो कितने दिन आपको काम मिल जाता है? महीने में 20-22 दिन मिलता है, मिलता है काम। अच्छा, बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं। हाँ, मराठी स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सरकारी में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं पढ़ाते, सरकारी में पढ़ाते, सरकारी में पढ़ाते। तो दोनों को आप देख सकते हैं, देखिए दो नतीजे निकाल सकते हैं। अभी मैं जब यहाँ से गुजर रहा था और हरे हरे खेत देख रहे थे, और जब लगा कि ये जो है अंगूर के खेत हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ जो है बड़ा पैसा आ रहा होगा, क्योंकि अंगूर बहुत महंगे दामों पर बाज़ारों में बिकता है। लेकिन नज़दीक से हमने जो तस्वीर देखी और जो पूरा जो है वाकया सुना, तो बता रहे हैं घाटे खेती साबित हो रही है। और आलम यह है कि किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों का कर्ज उनके ऊपर है। मजदूरों की हालत, जो इनके यहाँ मजदूरी करते हैं, रोज़ाना काम नहीं मिलता, 20-22 दिन ही मिलता है। और आलम यह है कि वो जो है बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल जो ठलुआ स्कूल हो गया है, कोई भी वहाँ पढ़ाए और मजबूरी में पढ़ाता है, उन्हीं स्थितियों तक पहुँच पाते हैं। बहरहाल, नासिक के इस अंगूर वाले इलाके से जनचौ के लिए मैं महेंद्र मिश्रा।